आज मैं आपको बताऊंगी कि हम आइसक्रीम की चम्मच से किस तरीके से हम कुछ घर को सजाने के लिए बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चम्मच ली हैं, जो आइसक्रीम की स्टिक होती हैं वो ली हैं। इस तरीके का थोड़ा सा मोटा हम एक पेज लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके से कोई पेज नहीं है तो आप क्या करें, चार्ट पेपर भी ले सकते हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पर गोल शीशे लिए हैं, और चिपकाने के लिए गम लेंगे और डेकोरेट करने के लिए टेप लेंगे। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम एक चम्मच की हेल्प लेंगे और उससे हम इसको इस तरीके से नाप लेंगे, यानी कि हमें इसको यहाँ इतना कट करना है। ये तो हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम निशान लगा लेंगे और इसको हम इस तरीके से सीधा कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। तो अब हम इस पर इस तरीके से फेविकोल लगा देंगे। थोड़ा सा हम इस तरीके से, क्योंकि हम इस पर ये स्टिक को चिपकाएंगे, तो इस तरीके से उठाते हुए हम सारे इस पर स्टिक को चिपका लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे पे लगा लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको हल्के हाथों से, यानी कि आसानी से हम इसको पकड़ेंगे और इसको हम उल्टा कर देंगे इस तरीके से। तो अब हमें इस तरीके से इस पे स्टिक लगानी है। इस तरीके से हमें इस पे स्टिक लगानी है। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे कैंची की हेल्प से। तो देखिए इसको मैंने कट कर दिया है। तो इसी तरीके से हम इसको भी, तो इनको मैंने इस तरीके से लगा लिया है। तो अब हम थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे। इनको इस तरीके से चिपकाते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इनको इस तरीके से चिपका लिया है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम और सपोर्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम स्टिक को इस तरीके से इन से चिपका लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा थोड़ा अच्छा सा सपोर्ट बना रहेगा और जिससे कि यह टूटेगा भी नहीं, बहुत जल्दी ये टूटेगा नहीं, यानी कि ये निकलेगा नहीं। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से चिपका लेंगे। तो ये देखिए मैंने इनको भी इस तरीके से चिपका लिया है और ये बोर्ड बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसको एक साइड से रख देते हैं, जो हमने दूसरा वाला पार्ट काटा था। तो अब हम इससे एक पेंसिल रखने वाला बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बॉर्डर लेंगे और उसके हम चारों तरफ इसको इस तरीके से लगाकर नाप लेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ से हमारा ये पूरा हो रहा है। तो अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से कवर हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर भी अपनी स्टिक लगाएंगे, जो हमने आइसक्रीम वाली स्टिक ली थी उनको भी हम इस तरीके से इस पर चार और चिपका देंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इस पर फेविकॉल लगाएंगे। एक साथ लगाने से ये अच्छे से चिपक जाती है। तो इस तरीके से फेविकोल लगाते हुए हम इसको इस तरीके से चिपका लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से दोनों साइड से चिपका लिया है और ये थोड़ी थोड़ी हमने जगह छोड़ दी है। तो अब हम अपनी बोतल लेंगे, जो भी हमने इसके नाप की ली थी उसको लेंगे
और इसको हम इस तरीके से रख लेंगे जिससे कि इसका शेप बन जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको पकड़ लेंगे क्योंकि ये निकलना है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे। और इसके ऊपर पहले हम यहाँ पर फेविकोल लगाएंगे। इसको हम इस तरीके से चिपका लें। तो ये देखिए मैंने इसको चिपका दिया है। तो अब हम फिर से इस पर ग्लू लगाएंगे इस तरीके से। फिर तरीके से हम एक स्टिक चिपका देंगे। तो ये हमारे थोड़ा सा साइड से बच गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम हाफ कर देंगे। तो ये हमारी थोड़ी बड़ी है तो इसलिए हम इसको कट कर लेंगे। तो इसको मैंने इस तरीके से चिपका लिया है चारों तरफ से। तो अब हम टेप लेंगे, जो भी हमने टेप लिया है आप कोई भी कलर का ले सकते हैं। तो अब हम इसके इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से करते हुए अब हम इस पर चारों ओर टेप लगा देंगे, यानी कि चारों तरफ हम इसको टेप से कवर कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से चिपका दिया है। तो अब हम इसको उल्टा कर देंगे और यहाँ पर भी हम टेप चिपका देंगे। जिस तरीके से हमने नीचे टेप चिपकाया था उसी तरीके से हम सेम प्रोसेस से ऊपर भी हम इस पर टेप लगा देंगे। अब हम इसमें से बोटल निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा ये बॉक्स बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसको सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम चम्मचों को इस तरीके से रखेंगे इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से। तो हमें सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए मैंने चम्मचों को इस तरीके से रख लिया है। तो अब हम इसको ग्लू की हेल्प से चिपका देते हैं। तो इसका हमें एक बॉक्स जैसा बनाना है। तो ये देखिए हमारा एक बॉक्स जैसा बन गया है। तो अब हम इसके ऊपर ग्लू लगाते जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और इनको हम इस तरीके से चम्मचों को चिपकाते जाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे और इसको हम इस तरीके से चिपका देंगे। तो अब हम यहाँ पर चम्मच नहीं चिपकाएंगे, तो हम यहीं पर सिर्फ चम्मच चिपकाएंगे ऊपर की साइड में। इसको बना लिया है। तो अब हम इसको इस तरीके से ही छोड़ देंगे जिससे कि यह सूख के सेट हो जाए।
तो हम एक और पार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम ये स्टिक लेंगे आइसक्रीम वाली, और उनको उनको हम इस तरीके से रख लेंगे जिस तरीके से हमने, तो इनको हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर हम ये स्टिक रखेंगे। तो हमें इसकी लंबाई को इतना रखना है, यानी कि इसको हमें इतना चौड़ा रखना है कि हमारे ये एकदम कवर हो जाए। तो इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनको इस तरीके से रख लेंगे इस तरीके से, और इसको चिपका देंगे। तो इस पर हम अच्छे से ग्लू लगा देंगे और आइसक्रीम की स्टिक को हम इस पर इस तरीके से चिपका देंगे। तो इसी तरीके से हम सेम प्रोसेस से तो ये देखिए हम मैंने इसको इस तरीके से बना लिया है। तो इस तरीके से मैंने इसको बॉक्स बना लिया है। तो अब हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे, यानी कि फेविकॉल लगाएंगे, और इसके ऊपर हम स्टिक लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से अब हम इसके ऊपर लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो एक स्टिक को हम यहाँ पर चिपका देंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक को चिपकाना है और बाकी की हम यहाँ पर चिपकाते जाएंगे। अब स्टिक को हमें यहाँ पर नहीं चिपकाना है, सिर्फ हमें स्टिक को यहाँ पर चिपकाना है। तो इस पे हम चिपकाते जाएंगे और इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे और यहाँ पर ग्लू लगाएंगे और इस तरीके से स्टिक को चिपकाते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से बना लिया है। तो अब हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। वैसे तो 1.5 घंटा है। इसको हमें पूरा कवर नहीं करना है, सिर्फ हम यहाँ पर 3 ही स्लिप लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा एक बॉक्स बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारा बॉक्स बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर टेप लगाएंगे तो इस तरीके से। तो अब हम इसको कट कर देंगे। आप कोई भी कलर का यहाँ पर टेप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड कलर का लिया है क्योंकि मुझे रेड कलर का अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर रेड कलर का टेप ले लिया है। तो अब हम यहाँ से इस पर लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से कवर कर दिया है। तो अब हम इसके लिए फ्लावर बनाएंगे। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा टेप लेंगे इस तरीके से और उसको हम इस तरीके से घुमाते हुए इस तरीके से इसका फ्लावर बना देंगे और इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। और इसके ऊपर हम इसको इस तरीके से चिपका देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा टेप और लेंगे और इसको हम इस तरीके से इस पर चिपका देंगे। तो ये देखिए हमारी थोड़ी सी डिजाइन बन गई है। और एक शीशा लेंगे तो ये देखिए शीशे पे हम ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके से चिपका देंगे। तो ये देखिए ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया है इस तरीके से चीज़ें उठा दें। तो ये देखिए ये हमारा एक बॉक्स बनके तैयार हो गया है। तो आप चलते हैं देखिए।
तो ये देखिए ये हमारा तैयार है और ये भी तैयार है। तो अब हम इसी तरीके से फ्लावर बना के इस पर भी चिपकाएंगे। तो देखिए ये इस पर भी मैंने स्टार बना के चिपका दिया है, यानी कि इस तरीके से फ्लावर बना के चिपका दिया है। तो अब हमें यहाँ पर इसको चिपकाना है, तो अब हम इस पर ग्लू लगाएंगे। तो अब हम इस पर ग्लू लगाएंगे, तो सारे स्टिक पे हम ग्लू लगा लेंगे और इसको हम यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हैं जिससे कि अच्छे से चिपक जाएगा। तो इसी तरीके से हमें इसको यहाँ पर चिपकाना है, यानी कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर इसको चिपकाया इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको चिपकाना है। तो इसको भी हम इस तरीके से फेविकोल लगाते हुए इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पर चिपका देंगे। तो ये देखिए, तो अब हम इस पर टेप लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से इस पर टेप लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से